दोस्तों आजकल हर कोई चाहता है कि क्रेडिट कार्ड उसके पास हो। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड हो, जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सके, अपने कुछ पैसे बचा सके, कुछ कैशबैक ले सके। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड वालों के अपने कुछ नखरे होते हैं। वो कभी आपका फाइनेंस देखेंगे कैसा है, कभी वो आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं, कभी आपके बैंक स्टेटमेंट, कभी इनकम प्रूफ और भी बहुत सारे, है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे अपना बना सकते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर, वो भी विदाउट एनी इनकम प्रूफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने फ्लिपकार्ट को अप्लाई किया, कैसे मुझे अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाना है आपको फ्लिपकार्ट पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड पहले से ही कर रखी है। ये दोस्तों मेरे भाई का अकाउंट है जो कि मैंने लिया है उससे, आप लोगों को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर को उसको क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है 500 रुपीज़ का। आप यहाँ से चाहें तो इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए मैं बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि आज का टॉपिक ये नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से ही प्री क्वालिफाइड है। अगर दोस्तों आपके लिए भी यहाँ पर ऑफ़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं 1 कार्ड मैनी बेनिफिट यानी कि 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा। इसके बाद भी आप मिंत्रा पर, फ्लिपकार्ट पर, स्विगी, क्लियरटेप, PVR, टाटा प्ले यानी बहुत सारी ऐप्स पर आप कैशबैक यहाँ पर ले सकते हैं, अपने कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो कम से कम आपकी 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दोस्तों तो कम से कम आपको 3.5 लाख का ITR भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आप कम से कम 3.5 लाख का ITR भर दें। उसमें आपको कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी इनकम प्रूफ दिखानी है। ITR भरने के 10 या 15 दिन बाद आप इसे अप्लाई करें, आपका क्रेडिट कार्ड आराम से अप्रूव हो जाएगा क्योंकि इन्हें आपकी एक इनकम प्रूफ मिल जाएगी इससे। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, इनको हम बाद में देखेंगे, चलिए इन्हें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक की यहाँ पर एक फॉर्म खुलकर आ गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम डाल देना है, यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है अनमोल मिश्रा, यहाँ शायद सारी मिस्टेक हो गई है, अनमोल मिश्रा। तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है, आप यहाँ पर अपने फादर का नेम डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने मदर्स का नेम, मदर जो आपकी है, मदर का नेम है, आप यहाँ पर डाल देंगे। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। एजुकेशन में दोस्तों अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट लगाएंगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपना पैन कार्ड यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अपना जो भी पैन नंबर हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, मेरा अप्रूव हो चुका है, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया। उसके बाद आपको सैलरी पर्सन है, सैलरी पर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर है, प्रोफेशनल है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एनुअल इनकम यानी जितने का भी आप दोस्तों ITR भरकर आए हैं वो एनुअल इनकम आप यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज़ अगर 3.5 लाख आपने भरा है तो 3.5 लाख यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपने बिजनेस वहाँ पे डाला होगा वो बिजनेस का नेम आप डालेंगे। सपोज़ मेरा कोचिंग सेंटर है सिग्मा कोचिंग क्लासेस करके, तो मैंने यहाँ पर अपने कोचिंग सेंटर का नाम डाल दिया है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड करता है, जैसे कि मैं सर्विस बिजनेस में आता हूँ तो मैंने सर्विस बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया है। ओनरशिप में अगर आपका खुद का अपना है तो सोल प्रोप्रेटरशिप, वरना प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप। तो मेरा यहाँ पर अपना है इसलिए मैंने सोल प्रोप्रेटरशिप को चूज़ किया है। इसके बाद दोस्तों यहीं तक है, आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, लेकिन मैं आपको आगे स्क्रीन पर लेके चलता हूँ अब, क्योंकि मैं पहले से ही इसे अप्लाई कर चुका हूँ। तो आपको इसको ओके करना है, जैसे ही आप ओके करेंगे आपको कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पर एक। तो फिलहाल इसको एग्ज़िट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर ली है अपनी ID को लॉगिन, और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर यानी कि यहाँ पर मेरे पास 12,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट पहले से ही है, जिसमें मैं 3,000 रुपये अपने पे लेटर में और 9,000 रुपये स्मार्ट अपग्रेड में यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब अपने कार्ड को।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, और यहाँ पर दोस्तों इसे वेरीफाई करना है आपको। और वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 15,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट, यानी कि मेरा क्रेडिट कार्ड आ चुका है दोस्तों। अब बस फिज़िकल कार्ड आने की देर है, यानी 15,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मुझे मिल चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। इस रिगार्डिंग अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड दिलवाऊँगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके कोई और डाउट्स वगैरह हैं जो कि आप क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबकी पूरी हेल्प करूँ। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा साथ ही में, आप देख सकते हैं जब मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका था तो मेरे पास मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, योर एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज़ अप्रूव्ड। इसके अलावा मेरे पास एक ये भी मैसेज आया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मेरे पास हुआ था तो उसके लिए भी मेरे पास ये मैसेज आया था। और जब क्रेडिट कार्ड मेरा बिल्कुल ज़्यादा अप्रूव्ड हो गया था और फ्लिपकार्ट शो होने लगा था, उसके बाद मुझे एक ये भी मैसेज मिला है, आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी दिक्कत तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।